नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पर। दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं का पेपर होने वाला है RBSE 2020 का, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को अगर आपने आखिर तक देख लिया तो दोस्तों आपको समझो कि गणित विषय में 180 में से 80 यानी कि टोटल कहें तो 100 में से 100 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, एंड तक देखा तो। क्योंकि जो संस्कृत भाषा का पेपर है वो दोस्तों बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखें तभी आपको पूरा जो पेपर है वो पता चलेगा। 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो 10th क्लास का पेपर है तो पेपर को एंड तक जरूर देख लेना है। तो चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका किसी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जय डाउट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए, क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो यहाँ से कौन सा क्या पेपर आता है, तो इस पेपर के पहले आपको थोड़े से जो निर्देश हैं, सामान्य निर्देश आप पहले पढ़ सकते हैं, जैसे कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश पढ़ लीजिए पहले। और यहाँ से जो पेपर हमारा स्टार्ट होगा वो देखिएगा दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिएगा अधोलिखित पाठ्यपुस्तक का पठित कद्यांश से सर्वप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। हिंदी भाषा में आपको ये अनुवाद लिखना है। तो जैसे कि ये जो महाराणा प्रताप के बारे में दे रखा है तो इसका अनुवाद कर लीजिएगा, आसान है, ज़्यादा ईजी नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो पूरा इसका पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारा पेपर आप आराम से देख लीजिए पहले, फिर जो अतुम में भी कर सकते हैं, अतुम आता है तो ये अतुम आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो पूरा पेपर है आपका 5 नंबर का है, ठीक है। तो 5 नंबर का आपका पूरा पेपर है, इसका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, सर्वप्रथम व्याख्या करनी है आपकी जो इस पद्यांश की, ठीक है, अतुम में दे रखा है। और इसी का आप यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन में सारे पेपर को आप कर सकते हैं, ये भी अथवा में दिया गया है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दोनों आप आराम से देख सकते हैं। चौथा प्रश्न भी इस तरह से वो आपका आएगा, देखिएगा। चौथा प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। चौथा प्रश्न है इस पाठ से, यानी कि जो आपका चौथा प्रश्न हमेशा क्या आता है, जो पाठ जिस पाठ में आपका जो चैरेक्टर है, जैसे कि एक महाराणा प्रताप वाला है, एक ये बाल राजा वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, तो इसी में चौथा सवाल आपका इंक्लूड होगा, चौथा सवाल इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर चौथा नंबर 3 नंबर का सवाल है। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो अधोलिखित सु देखिए, अष्ट सु केशाचन जो छठ, यहाँ पर 6 प्रश्न उत्तर देने हैं, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 में से आप 6 दे दीजिएगा। जैसे वंदे निरतराम, भारत वसुधाम, इतर से रचनाकार, रचनाकार बताना है, पहले पाठ के रचनाकार कौन हैं। तो ये जो प्रश्न है कुल मिलाकर 3 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 1 नंबर बनेगा, फिर अगला प्रश्न हमारे इसी से इंक्लूड होगा। तो जो 6 प्रश्न है वो देख सकते हैं आप सिंपली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विजिट करें brdstudy.online की वेबसाइट को। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहां से आप क्लास 10th के RBSE के मॉडल पेपर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सारे जो मॉडल पेपर्स हैं उनको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और अभी जाके डाउनलोड करें अपने मॉडल पेपर्स। अगला प्रश्न हमारे ये हैं, देखिए छठा प्रश्न, 6 से 9 तक कुछ नहीं करना है। रेखांकित पद में से आपको देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दे आंसर देख रहा है, इसमें आपको प्रश्न बनाना है, जैसे कि आत्महनन महत्म पापम अस्ति, तो के आत्मा ऐसे आपको करना है, ठीक है। ये भी आपका 1-1 नंबर का, 3 नंबर का हो जाएगा। फिर हमारा 10वां प्रश्न है, उसमें आपको क्या करना है, आपको श्लोक लिखने हैं, 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना नंबर का आएगा, ये हमारा आएगा 3 नंबर का, यानी 1 श्लोक है वो डेढ़ नंबर का होगा। फिर 11वां प्रश्न है, इसमें जो ये देखिए आपके सामने दे रखा है गद्यांश, तो गद्यांश का आपको आंसर लिखना है, कुछ नहीं करना। आपका गद्यांश 7 नंबर का आता है, इन पहले प्रश्न को देख लीजिएगा। तो गद्यांश तो ईजी है, 10 नंबर का गद्यांश कितना था,
10 नंबर का गद्यांश आपका आता है। तो गद्यांश को पहले पॉज करके देख लीजिए आराम से। फिर 12 प्रश्न आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, इसका संधि करना है, ठीक है। फिर ये जो आप समास कमास विग्रह है और समास करना है। इसी प्रकार से हमारा ये भी प्रश्न है, एक एक नंबर के प्रश्न उठते हैं, तो इसमें विभक्ति बताना है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये जो आपको प्रकृति पत्र ये जो ये प्रत्यय होता है वो बताना है, ठीक है। फिर आपका मजूषा देर का इसमें आपको फिलअप करना है। फिर वाची परिवर्तन यानी कि जो इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव पेसिव वॉइस वो करना है, ठीक है। और इसमें क्या देखिए 2200 प्रश्न में ये आपका जो घटी का चित्र है यानी कि अभी इसमें कितने बजे, ठीक है, आपको बताना है, संस्कृत में लिखना है। और ये जो 2300 प्रश्न है इसमें कुछ नहीं करना है, वाक्य को शुद्ध करना है, गलत देर का है उसमें आपको शुद्ध करना है, ठीक है। तो भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल को प्रेस कर लेना, ठीक है। और जो 2400 प्रश्न है इसमें ज़्यादा इजी प्रश्न लेके आया गया है, तो ये 2400 प्रश्न है कुछ नहीं करना आपको, इसमें जो लेटर दे रखा है या फिर आप अपना जो एक अपना प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं या फिर लेटर को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। पूरा दे रखा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। फिर आपको मजूना जो मजूसा पढ़ना है ये देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसमें से जो 8 दे रखा है वो 8 आपको फिलअप कर लेना है, अच्छी तरह से आप इसे फिलअप कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4-4 नंबर के ये जो सवाल है इनमें आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, 4 नंबर का है, देखिए 6 दे रखे हैं, इस 6 में से आपको 4 संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और जो 2700 प्रश्न है इसमें देखिए 2700 प्रश्न क्या लिखना है, ये जो प्रश्न दे रखा है सहायता करनी छठ वाक्य लिखना है। और ये जो पेपर आप आराम से देख सकते हैं। 2800 प्रश्न में भी ऐसे ही देर का है, घटनाक्रम को पुनः आपको संयोजन करना है, ठीक है। वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।